समर्पण सेवा संस्थान द्वारा कुशमौदा गुना में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में कुपोषित बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ संस्था के सदस्यों ने मुलाकात की और वहां की गतिविधियों पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और उसके उपरांत बच्चों को फल वितरित किए और सभी को आश्वासन दिया कि आगे भी सामाजिक हित के लिए उनकी हर समस्या में संभव सहयोग प्रदान करते रहेंगे और सामाजिक हितों के लिए संपूर्ण तरीके से समर्पित रहेंगे। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें अंजलि ओझा, स्वाति रघुवंशी, दिलीप सोनी, अभिषेक सोनी, गौतम पांडे, तन्नू, मोनू सोलंकी, नीतेश रघुवंशी, अजय कुमार रघुवंशी, डी के कुशवा, राजेश्वरी ओझा, अंशु शर्मा आदि मौजूद रहे। आप उनको ध्यान दे रहे हैं बच्चों को, बच्चों का। हम सभी लोग यहाँ पे संस्था से हैं, समर्पण सेवा संस्था। हमारा काम केवल इतना है कि हम कुपोषित बच्चों का काम कर रहे हैं। सरकार सुविधा दे रही है, सरकारी तरफ से बहुत सारी सुविधाएं चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो संस्था की तरफ से प्रयास है कि हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत करें जितना बन सके, क्योंकि सभी ने जाकर के आंगनवाड़ी में देखा है कि कहीं ना कहीं बच्चों को कुपोषित निकल रहे हैं, बच्चों की कहीं केयर नहीं हो रही है, देखभाल नहीं हो रही है और सरकारी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हम सबका प्रयास एक ही है कि हम थोड़ा बहुत बच्चों के लिए करें, सभी पूरी संस्था का मिलकर के। और दूसरी चीज, जो चीज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही, तो हम सरकार से सरकार तक ये बात पहुँचाएं कि जो चीज़ें आपने चलाई है सरकार के लिए, उन तक बकायदा नहीं पहुँच पा रही। और अभी हम सभी समिति के लोग यहाँ पे थोड़ा सा फल वितरण के लिए आए हुए हैं।